खबर है दिल्ली के द्वारका नॉर्थ की, जहां द्वारका नॉर्थ पुलिस ने जाल बिछाकर एक सातिर सेंधमार को ककरोला से चुराए चांदी व सोने के आभूषणों सहित मौके से धर दबोचा। द्वारका नॉर्थ पुलिस को ककरोला में 7 जून को एक घर में देर रात सेंधमारी होने की सूचना मिली। केस दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वारका ACP मदन लाल मीना के दिशा निर्देश द्वारका नॉर्थ थाना प्रभारी संजीव कुमार की अगुवाई में SI प्रहलाद, हेड कांस्टेबल रवि प्रकाश, सुभाष भागीरथ, राजू राम कांस्टेबल हरि ओम की टीम को अपराधी की धरपकड़ के लिए लगाया गया। टीम घटना स्थल व आसपास के CCTV फुटेज खंगालते हुए अपने सूचना तंत्र माध्यमों द्वारा तकनीकी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में जुटी थी। इसी क्रम के दौरान पुलिस को मिली गुप्त सूचना, जिसमें ककरोला में हुई चोरी के दौरान लूटे गए जेवरात को बेचने के लिए एक युवक ककरोला गाँव में आ रहा है। आला अधिकारियों से सूचना को साझा कर टीम ने बिना समय गवाए तत्परता को दिखाते हुए ककरोला गांव में जाल बिछाया। तभी दोपहर 12:30 बजे के करीब सेक्टर 16B झंडा चौक पर एक युवक को आते देखा गया। सूचना धारक के इशारा करते ही पुलिस ने उसे घेराव कर उसे दबोच लिया। मौके पर ली गई तलाशी के दौरान उसके बैग से चुराई गई सोने की अंगूठियाँ, कान के टॉप्स की जोड़ी, मंगलसूत्र, एक चांदी का हार सेट, चांदी के सिक्के, अन्य आभूषण, तमाम ये सामान बरामद की गई। पुलिस ने लुटेरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। द्वारका DCPM हर्षवर्धन के अनुसार पकड़े गए अभियुक्त की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।